कहते हैं जंग मोहब्बत और सियासत के कुछ उसूल हुआ करते हैं। हत्तुल वसा कोशिश होती है कि बुजुर्गों और खवातीन पर हाथ नहीं उठाया जाए। आला जरफी का तकाजा है कि मुखालिफ की खवातीन का एहतराम किया जाए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसी इखलाकी इकदार ढूंढने से भी नहीं मिलती। हमारी सियासत जाती मफाद, मुखालिफिन की पगड़ियां उछालने और हुसूले इख्तिदार के लिए हर जायज और नाजायज तरीका इख्तियार करने तक महदूद होकर रह गईं। हमारे दानिश्वर और सियासतदान भी ऐसी सियासी आलूदगी का शिकार हैं। मुल्की मीडिया पर आजकल बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के इंटरव्यू की गूंज है, जिसमें उन्होंने अपनी साबिका अहलिया और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की शादी के हवाले से बहुत कुछ कहा। उन्होंने अपनी घरेलू नाचाकी का जिम्मेदार भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को ठहरा दिया। खावर मानिका के मुताबिक बुशरा बीबी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की खुफिया मुलाकातों का सिलसिला काफी अरसे से जारी था और बुशरा बीबी रात गए एक खुफिया फोन नंबर से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से लंबी लंबी बातें भी करती थीं और उनके मना करने के बावजूद ये सिलसिला चलता रहा। खावर मानिका ने इंटरव्यू में कई ऐसे घरेलू और इंतहाई निजी मामलात पर भी बातें की जो आमतौर पर लोगों के सामने नहीं की जाती। सियासी मुबसरीन ने इस इंटरव्यू पर कई सवालात उठाए हैं। नंबर एक, क्या किसी सहाफी को इस किस्म की सहाफत और घरेलू मामलात का हिस्सा बनना चाहिए? नंबर दो, खावर मानिका ने पुलिस हिरासत से रिहाई पाते ही अपनी साबिका अहलिया की किरदार कुशी शुरू कर दी, जबकि माजी में जब वो आजाद थे बुशरा बीबी की पाक दामनी की कस्में खाते थे, ऐसे में उनकी किस बात को सच समझा जाए? मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तजज़ियाकारों का कहना है कि इखलाकी इकदार की पामाली की दास्तान एक तरफ, मगर दूसरी तरफ किसी खातून पर संगीन इल्जाम लगाकर खावर मानिका कज़फ के कानून की जद में आ सकते हैं। वैसे भी बुशरा बीबी की इद्दत का मामला अभी अदालत में जेरे समात है। मुबसरीन का यह भी कहना था कि खावर मानिका की यह बात कि उन्होंने अपने मुलाजमीन से कहकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अपने घर से निकाला, अजीब बात लगती है। वो ये काम खुद या अपने जवान बेटों से भी करा सकते थे। इतने इंतहाई जाती नौयत के काम को खुद करने की बजाय नौकरों से क्यों कराया गया? सियासी तजियाकारों ने इस बात को भी निशाना बनाया कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को एक माह कबल ही इस इंटरव्यू और इसकी तफसीलात का इल्म कैसे हो गया? क्या इस इंटरव्यू के पीछे भी सियासी जमात का हाथ है? उसके खामन ने स्टेटमेंट दे दिया है कि मैंने इतनी दिन तलाक दी थी। अगरचे खवातीन के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ का किरदार भी खासा मुतनाजा रहा है, मगर हालिया इंटरव्यू से खावर मानिका का जो किरदार सामने आया है वो महज मफाद परस्त, खुद गर्ज और मौके की मुनासबत से अपनी जबान से फिरने वाले का है। सियासी तजियाकारों का कहना है कि मामला अगर इतना खराब था तो गैरत का तकाजा था कि खावर मानिका अपनी साबिका अहलिया और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर देते, मगर इसके बरक्स वो ना सिर्फ बाकायदगी से बनी गाला जाते रहे बल्कि उमरा करने भी साथ गए। यही नहीं, अपने इलाके में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग भी अपनी मर्जी से कराते रहे। अगर लोगों के घरेलू स्कैंडल बनते रहे तो कई सियासी घरानों की शादियों की बात भी होगी कि वो कैसे और किन हालात में हुई, और ऐसे मामलात भी जेरे बहस आएंगे जिसमें मातहत अफसरों की बेगमात भी महफूज नहीं रहेंगी। कल कला किसी वकील का इंटरव्यू भी सामने आ सकता है। और जिस अंदाज में उन्होंने ये शादियां की हैं शहबाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने पुलिस अफिसरों की बीवियों को उन्होंने तलाकें दिलवा के जिस तरह शादियां की हैं, दुनिया का कुछ सिविलाइज मुआशरा होता ना सर, ये कभी आपको नजर ही नहीं आते यहाँ। अगरचे सियासी रहनुमाओं की जिंदगियां निजी नहीं होती,
वो भी जेर बहस आती हैं, मगर उनकी भी कुछ हदूद व क्यूद होती हैं। लोगों की जाति और अजदवाजी जिंदगियां इस तरह सियासी फायदों के लिए इस्तेमाल होती रहीं तो मौजिज घराने ही नहीं पूरा माशरा इसकी लपेट में आ जाएगा। चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं।